Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Jain, Is apna hi dear, to dear, praise the Lord. Aaj ka praise the Lord. prayer Praise the Lord. प्रार्थना के साथ शुरू करें. जरूर जरूर जरूर. यीशु मसीह तेरा जैसा कोई और है नहीं. यीशु मसीह तू महान है. तेरे चरणों में हम साजदा करते हैं. चलिएगा फिर से एक बार प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हुआ उस महिमावंत नाम को फिर से हम अपने जुबान से, अपनी आवाज से, अपने प्रसंग से आज रात भी ऊंचा उठाएंगे. ये नाम जो हर नाम के ऊपर स्थापित किया गया है, यीशु मसीह का नाम, जिस नाम में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, बैरा सुन सकता है, जो चल फिर नहीं सकता है वो चल फिर सकने लायक प्रभु उनके अंदर समर्थ देती है. विश्वास कीजिएगा आज रात ये यीशु मसीह का नाम, जिसकी महिमा इस प्रेयर लाइन के द्वारा होंगे, उस पर विश्वास कीजिएगा और अपने जीवन की हर जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा. प्रभु जरूर आपके जिंदगी में अपनी समर्थ है कि माँ और बेटा दोनों मिनिस्ट्री में है. फिर से मौलमा चेरियन गीत गा रही है, उनके बेटा ब्रदर श्याम चेरियन जो अमेरिका विजिट करके वापस जा चुका. प्रिया प्रभु के दास हमसे कलाम से इससे पहले भी बात किया, आज रात भी प्रभु की आवाज हम तक पहुंचाएंगे. सिस्टर आप लाइन पर है? हाँ. चलिए सिस्टर गीत गाने के अवसर है, उसके बाद प्रभु के दास अगर मुझे सुन रहा है तो आप आगे कलाम से हमसे बातें करें. हालेलुया. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है, ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया. मैंने एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ. तो हालेलुया. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा, किस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से, गरीबी से, राब से छुड़ाता है वो नाम में, जो अंधों को रोशनी भी देता है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. हालेलुया हालेलुया. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जरूर यीशु मसीह का नाम
सबसे ऊंचा नाम है और वो नाम हमें भी ऊंचा उठाता है। चलिएगा प्रार्थना के साथ बना रहिएगा सिस्टर से। फिर से एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहता, बहुत ही खूबसूरत गीत और वो गीत जो हमारे अंदर एक आशा एक होप पैदा करता है, हमें अपनी जिंदगी की निचला अवस्था से पाप की निचला अवस्था से प्रभु ने हमें ऊंचा उठाया। आज पवित्र जीवन में क्रिश्चियन लाइफ में हमें ऊंचाई की तरफ प्रभु ले जा रहा है। उस प्रभु की कलाम से फिर से हम प्रभु के दास से जरूर प्रभु की आवाज सुनेंगे। पास्टर जी आप लाइन पर हैं, पास्टर श्याम चरियन आपको इस हिंदी लाइन में फिर से मैं वेलकम करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप बॉम्बे में। आम राइट प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर नाम की स्तुति हो। आप लोग सब मेरा आवाज सुन रहे करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, पास्टर श्याम चरियन। मैं खुश हूँ उससे, लेकिन मैं अभी तक पास्टर नहीं बना हूँ और परमेश्वर की सेवकाई में इधर मुझे तो ज्यादातर लोग जानते नहीं है, क्योंकि मैं ओक्लाहोमा में और मेरे मेरे अंकल है साजन, साजन जो आप लोग जानते हैं, जैक चरियन मेरे अंकल है, हम उनको पापी करके कहते हैं बुलाते हैं, और उनका नेफ्यू हूँ मैं और उनका भाई का बड़ा लड़का हूँ मैं। मेरा एक भाई है जो कि फिलेमोन जो कुछ दिनों पहले इधर यूएस में आया था, वो इंडिया में गया, अभी मुंबई में है, और हम इधर डालस में मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे दो बेटा है शॉन और सेफ, इन लोग के साथ हम लोग डालस में सेटल्ड है और परमेश्वर की सेवगाई में और परमेश्वर की परमेश्वर में बढ़कर और बढ़कर और काम के साथ मैं इधर हूँ। आप लोग, मैंने ये इंट्रोडक्शन इसके लिए दिया ताकि आप लोग मेरे लिए, हम लोग के लिए प्रार्थना करना और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आगे आगे के दिनों में हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करे और परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरा करे। इसके लिए आप लोग हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने करके बोलकर मैं अपने वचन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्ति जनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना के साथ प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठे ताकि परमेश्वर का वचन आप लोग सब तक पहुँचाया जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति आज हमारे बीच में है और हमसे बोल और बातचीत कर रहा है। पासवान ने जिस प्रकार कहा, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें चंगाई देने वाला है, चलाने वाला है, अभिषेक करने वाला है, बढ़ाने वाला है और हमें अनुग्रह से हमें रखने वाला हमारा जिंदा खुदावन परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज के वचन में जो वचन जो मैं लिया है और मनन करने के लिए लिया है वो है सबोपदेशक के पुस्तक 5 का 5 अध्याय, उसका पहला पहला अध्याय से लेकर 20वां अध्याय तक, 20वां पद तक। मैं जब इन दिनों में पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया हुआ, एक मुझसे बोला और बातचीत किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बात को दूसरे लोगों से भी शेयर करना जरूरी है करके मेरे को लगने के कारण मैंने ये पद चुना और परमेश्वर मुझसे बातचीत किया। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर ये प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्ति जनों से आज बात करेगा करके मेरे को विश्वास है और उसके साथ मैं आगे की ओर पढ़ना चाहता हूँ। 5वां अध्याय का 19वां पद में पढ़ना चाहता हूँ। वो इस प्रकार लिखा गया है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है, यह परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीता परमेश्वर, आज तेरे चरणों पर आने के लिए तुमने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आए हुए प्रेयर लाइन में आए हुए परमेश्वर एक व्यक्ति जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो परमेश्वर इस प्रेयर लाइन में आना चाहते थे वो आ नहीं पाए कई कारणवश, परमेश्वर वो अपने अपने जगह पर बैठकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर,
तो उन लोगों से तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर, इस वचन के द्वारा अनेक से तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। मैं अपने आप को और इधर प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्ति जनों को इस वचन के सामने हम समर्पित करते हुए कर कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमसे तू बोल और बातचीत करने पाए अनुग्रह के साथ, हमें ये वचन को देने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय से कार्य कर। आशीष का धन्यवाद यीशु मसीह के पोते नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि जो परिश्रम हम करते हैं और जो काम हम करते हैं, इससे अगर आनंदित होते हैं, आनंदित होकर हम उसका अगर एक एक चीजों को अगर अनुभव करते हैं, तो वो परमेश्वर का एक आशीष है और वो परमेश्वर का एक वरदान है करकर लिखा गया है। हालेलुया। लेकिन ये वरदान को पाने के लिए परमेश्वर ने हमारे सामने अनेक प्रकार के एक चुनौती को रखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये सब सामने रखने के बाद इस प्रकार कहा गया है कि ये सब अगर तुम संभाल कर अपने जीवन को अगर तुम तैयारी के साथ चलेंगे तो क्या होगा, तुम प्रार्थना करने से प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, मैं तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम प्रार्थना करोगे तुम जो भी करते हो उसको अनुभव करने को होगा, और तुम जो भी करोगे वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो जाएगा, और तुम जो भी करोगे उससे तुम्हें आशीष और तुम्हें आनंद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो है हमारा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने इस पद के अंदर, इस पांचवें अध्याय के अंदर आरंभ से लेकर अंत तक हमें क्या क्या करना चाहिए वो लिखा गया है, वो हम एक एक कर आज इस आज में आपके साथ मनन करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसका पहला पद में इस प्रकार लिखा गया है कि हम जब परमेश्वर के भवन पर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर के भवन पर जाते समय हमें सावधानी से चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, गार्ड योर स्टेप्स। हम परमेश्वर के चरणों पर जब जाते हैं तो परमेश्वर के जो सावधानी हमें निभाना है वो सावधानी के साथ हमें परमेश्वर के चरणों पर जाना चाहिए। हालेलुया। हम इन दिनों में कलीसिया में जाते समय ये देख सकते हैं कि नौजवानों को या बुजुर्गों को देख सकते हैं कि कुछ लोग अन्य चिंताओं के साथ कलीसिया में आते हैं, अनेक विचारों के साथ कलीसिया में आते हैं, अनेक भोज के साथ कलीसिया में आते हैं, दुख के साथ कलीसिया में आते हैं, और परमेश्वर के कलीसिया में अनेक अनेक चिंताओं के साथ कलीसिया में आते हैं। लेकिन परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में हम जाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में किस प्रकार, किस अवस्था में जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के कलीसिया में ऐसे ही घुसकर जाकर, ऐसा ही वापस आकर, वापस आने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम परमेश्वर के कलीसिया में जाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के सन्निधि में जा रहे हैं, परमेश्वर के चरणों पर जा रहे हैं, उस भयभीत के साथ, उस अनुग्रह के साथ हम परमेश्वर के कलीसिया में जाना चाहिए। हालेलुया। भवन में जाना चाहिए। परमेश्वर का भवन कौन, कहाँ है परमेश्वर का भवन? हम जहां भी परमेश्वर के प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमारा भवन है। हालेलुया। हम हमारे घर पे अगर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर चर्च में हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर का भवन है। हमारा हृदय परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है। इसके लिए हम जिधर भी जाए, किधर भी जाए और कहां पर भी रहे, हम परमेश्वर के भवन में जिस प्रकार है उस प्रकार परमेश्वर से भयभीत के साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस तरह भयभीत के साथ रहने से परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है, तभी दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि बातें कर, और इस तरह का लिखा गया है कि बातें करने में उथावली ना करना। हालेलुया। हम ज्यादा बात करने से या ज्यादा बोलने से हम क्या करना है? कुछ पा नहीं सकते। हालेलुया। हम ज्यादा बात ना करते हुए जो बात जहां करना है, किस किस प्रकार करना है,
किस वक्त पर करना है, कहाँ करना है, हमें वो जानना जरूरी है. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हम हमें बिना सोच समझ कर या हमारा समय को व्यर्थ करते हुए या समय को ऐसे वेस्ट करते हुए हम कभी भी परमेश्वर हमारे बातों को आगे की ओर बढ़ाना नहीं चाहिए. हालेलुया. हम हमारे बातों को सोच समझ कर और बुद्धिशाली से बुद्धिशाली मनुष्य होकर और मनुष्य होकर हम परमेश्वर के हमारे बातों को संभाल कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए. क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जो भी बोले वो क्या है पर वो सोच समझ कर बोले और जहां बोलना चाहिए उधर ही बोले और जितना बोलना चाहिए उतना ही बोले. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है कि हम ज्यादा बोलकर हम अपने ऊपर कोई क्रोध या कोई पाप कर बैठे. हालेलुया. हम ज्यादा बोलने से हम अपने ऊपर शाप और ज्यादा हम अपने ऊपर पाप लेके आता है करके इस वचन के अंदर लिखा गया है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो ज्यादा बोलता है वो किस प्रकार है, मूर्ख जैसा हो जाएगा. मूर्ख जैसा है, मूर्ख है. क्योंकि मूर्ख ज्यादा बोलकर अपने ऊपर शाप और पाप लेके आता है. हालेलुया. इसके लिए हम जो बोलना चाहिए सही कभी कब बोलना चाहिए और उस सही वक्त पर बोलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. और आगे की ओर हम बढ़ेंगे कि हम इस प्रकार लिखा गया है कि उसका 5:3 पर इस लिखा गया है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है. हालेलुया. हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे और हमारे ऊपर कार्य बढ़ते जाता है हम स्वप्न देखने शुरू करते हैं. हालेलुया. स्वप्न हमारे सामने आ जाता है. जैसे कि हम ज्यादा काम करते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो ज्यादा हम स्वप्न देखने लगते हैं कि और हम अपने फ्यूचर के बारे में और हमारे भविष्य के बारे में हम ज्यादा सोचने लगते हैं. हालेलुया. तो परमेश्वर इसके अंदर लिखा गया है कि हम ज्यादा कार्य करने से या अपने काम से रखने से कुछ महत्व नहीं है करके लिखा गया है. हालेलुया. इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जिस प्रकार काम करते हैं उसको अनुभव करने के लिए हम अपने वक्त को परमेश्वर के लिए भी देना चाहिए कर इस वचन के अंदर लिखा गया है. हालेलुया. सो जो कार्य हम करते हैं उस कार्य से हम परमेश्वर के लिए उसमें हम प्रसन्न होने के लिए, उसमें हम तृप्त होने के लिए, हम परमेश्वर की महिमा को अनुभव करने के लिए हम परमेश्वर को ज्यादा प्रेम और ज्यादा वक्त देना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और उसके अंदर लिखा गया है कि हम 5:4 में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर को कि हम क्या बोलते हैं कि हम परमेश्वर की भय को मानना चाहिए. हालेलुया. पूरी और अगर हम परमेश्वर की भय को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमसे तृप्त या परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाएगा और हमें परमेश्वर आशीष ना देते हुए आगे की ओर चला जाएगा. हालेलुया. इसके लिए परमेश्वर ने हम आगे की ओर बढ़ने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. और दूसरी बात, हम किसी परमेश्वर के सामने अगर कोई मन्नत रखते हैं तो उस मन्नत को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए. हालेलुया. अगर हम मन्नत उसका 4:4 में इस प्रकार लिखा गया है कि हम अगर जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता. जो मन्नत तुमने मानी हो उसे पूरी करना. हालेलुया. जो मन्नत हमने मानी परमेश्वर के सामने किया है उसको पूरा करने की पूरा कोशिश हमें कर लेना चाहिए. हालेलुया. किसी जो अगर हम मन्नत हमने इच्छा किया कि हम एक मन्नत करने के लिए तो हमने एक निश्चय किया और उस मन्नत को पूरा करने को नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल उस मन्नत को परमेश्वर के सामने रखना नहीं चाहिए. हालेलुया. अगर हम मन्नत
उसको अगर इस परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पूरे हृदय को हम अपने आप को लगा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे मन्नत को आदर करे और परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए, हालेलुया, इसके आगे के पदों में इस प्रकार लिखा गया है कि हम इस पृथ्वी में आए हैं, इस पृथ्वी से हम चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हम इस पृथ्वी में है। हालेलुया। इस पृथ्वी में आकर हम थोड़े दिन के अंदर चले जाएंगे, और इस थोड़े दिन के अंदर जो थोड़े दिन जो हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में दिया गया है, उस इस समय हमें हमें अच्छे ढंग से और बुद्धि और बुद्धिशाली होकर और परमेश्वर की भय और भय रखते हुए और परमेश्वर की आदर करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए हमें बिताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुम पे प्रसन्न नहीं होगा तो मैं तुम लोगों को कभी भी जो भी तुम कार्य इस पृथ्वी के अंदर कर रहे हो उसको अनुभव करने के लिए, उसका आशीष अनुभव करने के लिए, और उस इस दुनिया में जो भी तुम्हें तुम लोगों को दिया गया है उसका अनुभव करने के लिए अगर तुम्हें होना है तो परमेश्वर की आदर करो, परमेश्वर की भय मानो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के लिए अपने वक्त को निकालो, ताकि परमेश्वर आप जो कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर की सेवा गाए और परमेश्वर के लिए खड़े रहकर जो आगे की ओर बढ़ रहे, ताकि परमेश्वर आपको आदर सम्मान के साथ और परमेश्वर ने जो दिया हुआ है वो आप लोग अनुभव करने के लिए परमेश्वर की भय मानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार इसके अंदर लिखा गया है कि जो पैसा को प्रेम करता है, उसका 10वां अध्याय में लिखा गया है, वो कभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा। हालेलुया। वो पैसा से कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसका मतलब यह है कि हम पैसा का बात अकेला नहीं कर रहे, पैसा या धन दौलत के बारे में अकेला नहीं बात कर रहे, परमेश्वर इस ये बता रहा है, एक उदाहरण दिया गया है कि परमेश्वर से ज्यादा हमें किसी को भी प्यार नहीं करना चाहिए, ना तो हमारे बीबी के साथ, ना तो अपने बच्चों के साथ, ना तो हमारे हमारे परिवार के साथ, या ना हमारे कामकाज के साथ, या इस दुनिया के कोई भी चीज के साथ। हमें परमेश्वर से ज्यादा, हमारे ईश मसीह से ज्यादा हमें प्रेम करना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारा पूरा प्यार, सबसे पहला प्यार हम परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर चाहता है। जिस प्रकार वचन के अंदर लिखा है कि आप पहला तुम लोग सब मेरा राज्य का खोज करो ताकि सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर जो हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर, हमने परमेश्वर को प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। परमेश्वर, हम अपने आप इन दिनों में हम देख सकते हैं कि लोग खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में ज्यादा करके खुद का एक स्थान बनाने को देखते हैं, खुद का एक नाम बनाने को देखते हैं, खुद का एक कार्य करने को देखते हैं, खुद का एक जगह बनाने को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब खुद के लिए सोचने लगे हैं आजकल, खुद के लिए खुद का एक नाम बनाने को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कुछ मेरे बेटा बेटी लोग, आप अपने आप को थोड़ा हटा कर रखो, अपने आप को थोड़ा दूर रखो और मेरा खोज करो, मेरा इच्छाओं को खोज करो, मेरे लिए तुम अपने आप को समर्पित करो, मेरे लिए आगे की ओर बढ़ो, ताकि मैंने जो तुम्हें दिया है, जो अनुभव करने के लिए, जो आशीष मैंने तुम लोगों को दिया है, जो अनुभव करने के लिए, वो आप लोग अनुभव कर सके। अगर वो जो मैंने जो तुम लोगों को आशीष दिया है, जो भी मैंने जिस दुनिया में तुम लोगों को दिया है, अगर वो अनुभव करने के लिए तुम लोगों को नहीं होगा, तो तुम लोग जो भी इधर इस दुनिया में रहकर जो भी प्रयत्न कर रहे हो, जो भी क्लेश के अंदर से तुम लोग गुजर रहे हो, और जो भी प्रकार के आशीष तुम लोगों को दिया गया है वो अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो ये इस दुनिया में रहने से और हम जो भी कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को मन फिरा कर वापस आओ। हालेलुया। और इसके अंदर लिखा गया है, जैसे 5:15 में इस प्रकार लिखा गया है कि जैसे वह माँ
के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था और वैसे अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हालेलुया। जो जिस प्रकार हम इस दुनिया में आए हैं उसी प्रकार हम वापस चले जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम माँ के कोख से बाहर आए हैं उसी प्रकार हम जिस प्रकार नंगा होकर हम इस दुनिया में आए उसी प्रकार हम वापस इस दुनिया छोड़ के चले जाएगा। हालेलुया। जो भी परिश्रम करेंगे, जो भी हम कुछ करेंगे, वो सब हमसे चला जाएगा, हमारे हाथ से चला जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। हालेलुया। ये जो भी अनुभव हम करते हैं, जो भी हम हमारे पास है, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ एक आशीष है, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ एक बल है, और ये सब परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक आशीष है। हालेलुया। और इसके अंदर ऐसा लिखा गया है, 17 अध्याय में ऐसा लिखा, केवल उसके इसी के लिए कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध ही भी करता रहा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से नहीं है वो क्या होगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा रोगी रहेगा, हमेशा क्या होगा, क्रोधित रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम क्या परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे और परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष को हम अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तभी हम जिस तरह मैंने आज जब इस प्रचार के आरंभ में जिस प्रकार मैंने पढ़ा वैसा हमारा जीवन के अंदर आ जाएगा। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोजन भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, हालेलुया, जो खुशियां हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें हम जब भी आनंदित होते हैं, और जब भी जो परमेश्वर ने नौकरी दिया है उसमें हम जब आनंदित होते हैं, और जब जो परमेश्वर ने धन और दौलत हमें दिया है उसमें जब भी हम आनंदित होते हैं, और जो परमेश्वर ने बेटा बेटी हमें दिया है उसमें जब भी हम आनंदित होते हैं, जो घर दिया है उसमें जब भी हम आनंदित होते हैं, और जाने के लिए वाहन दिया है उसमें जब भी हम आनंदित होते हैं, तब वो क्या है, परमेश्वर का एक वरदान है। हालेलुया। इस वरदान को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। और जिस प्रकार मैंने प्रारंभ से लेकर पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। और परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। हमारे बोली से, हमारे सोच विचार से, हमारे बुद्धि से, हमारे रहन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बैठने उठने से, हालेलुया, हमारे प्रेम दिखाने में हम क्या करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने में रहे, प्रसन्न करने में लग जाए, ताकि परमेश्वर हमें जो दिया हुआ है उसमें हम आनंदित हो और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हम जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है उस आशीष को हम अनुभव करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं भाइयों और बहनों आप लोगों को ये निवेदन करता हूँ, ये चुनौती देता हूँ कि अपने आप को ना स्थान देते हुए परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर स्थान देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज तक अगर किसी ने भी अपने आप को इस प्रकार समर्पित नहीं किया है तो अपने आप को आज शाम के इस समय पर अपने आप को इस वचन के सामने समर्पित करें, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको, इस वचन के अंदर लिखा हुआ हर एक आशीष को परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर दे दे, ताकि आप जब प्रार्थना करें तभी परमेश्वर आपको सुनकर, परमेश्वर जवाब देकर आपको और भी आशीष दे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही खूबसूरत वचन प्रभु के दास हमें बता रहा था। मैं एक स्टेप आगे जाकर बोलना चाहता हूँ, उपदेश बता रहा था, उपदेश किस तरह प्रभु के सानिध्य को हम रेस्पोंड करना चाहिए, कहाँ प्रभु का घर होता है, हमें किसको खुश करना चाहिए और कैसे हम प्रभु को खुश कर सकता है। जो कुछ हमारे जिंदगी में भौतिक चीजें प्रभु देता है, वो घर हो, गाड़ी हो, जो भी हो, वो
प्रभु का दान है, उसमें हम कुछ तो जरूर होते, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना और उस प्रभु का डर अपने जिंदगी में, डर मतलब पिताजी से, मेरा पिताजी यहाँ था, मुझे उनसे तो डर लगता है, लेकिन वो डर एक रेस्पेक्ट का डर होता है, एक एनिमी का डर नहीं होता है, एक रेस्पेक्ट का डर होता है। आजकल हाँ क्रिश्चियन लोगों के अंदर से वो प्रभु से जो रेस्पेक्ट है वो उसमें कुछ कमी आ गया है। प्रभु के दास को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे, उनके परिवार के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा, बहुत नजदीक में रह रहा है प्रभु के दास डालस में, कभी ओक्लामा विजिट करे तो हम लोग को भी विजिट करे, प्रभु उनको और उनके परिवार को ज्यादा आशीष दे। और मिनिस्ट्री में प्रत्येक रूप से इतना अच्छा हिंदी बोलता है, हिंदी भाषी लोगों के बीच में प्रभु उन्हें शक्ति के साथ उठाए, प्रत्येक रूप से हिंदी प्रेयर लाइन हिंदी भाषियों के लिए है, प्रभु जरूर एक हिंदी भाषी लोगों के बीच में प्रभु को दास को एक पास्टर ही, एक ऐसा मिनिस्ट्री ही प्रभु जरूर दे। अच्छी चीजों को बोलना अथवा उसके लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, और अच्छे आग्रहों को प्रभु जरूर पूरा करता है। प्रभु को दास को प्रभु आशीष दे, कलाम के सामने हमें अपने आप को समर्पित करे और प्रार्थना करे कि प्रभु जी हमारा मकसद क्या है, इंसान को खुश कराना, अपने आप खुश होना, अदुआ हर आशीष का श्रोता प्रभु, जिसकी आत्मा के अंश ने हमें ये जिंदगी प्रदान किया, जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर इस दुनिया में आकर अपनी आखिरी बूंद खून तक बहाकर अपनी प्रेम का वो बड़ा प्रदर्शन किया, उस प्रभु को खुश कराने के लिए हमारे अंदर कोई चाह है क्या? कल सुबह हम इस मकसद से उठेंगे कि हमारे चाल चलन से, सोचने से, बोलने से प्रभु को हम खुश करें, ऐसे एक मकसद से, ऐसे एक फोकस से हम कल सुबह जाग पाए, हम सब अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सन्निधान में, डर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, समर्पण के साथ हम आए और प्रभु के हर आशीष हम अपने जिंदगी में अपना हक बनाए। प्रभु के दास को ज्यादा से ज्यादा प्रभु आशीष दे। मैं प्रेयर लाइन में आए वाले प्रेयर पार्टनर्स के लिए टाइम सेपरेट करता, अगर आज कोई पहला बार आया है तो जरूर आप आवाज ऊंचा उठाइएगा, आपका आवाज हम लोग सुनना चाहता है, जरूर बोलिएगा। अगर कुछ नया प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताइएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। अगर कोई अपडेशन है, कोई नया प्रेयर रिक्वेस्ट है, बिजी सिस्टर आप जरूर बताइएगा। इन सारे विषयों के लिए प्रभु के दास हमारे बीच में अवेलेबल है, जरूर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, इस हिंदी प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ डॉक्टर साहब भी अपनी बिजी स्केड्यूल थोड़ा हमारे लिए अलग रखकर हमारे साथ इस प्रेयर लाइन में है। जरूर डॉक्टर साहब कंट्रीज के लिए बहुत डिटेल में प्रेयर करता है, प्रेयर कर ये प्रेयर लाइन कंक्लूड करेंगे, उसके बाद बिजी सिस्टर जरूर अनाउंसमेंट करेगी। हर चीज प्रभु की आत्मा अपनी उचित तरीका से हम लोगों से करवाएंगे। प्रार्थना के साथ बना रही है, कोई 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 नया प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई नए लोग इस प्रेयर लाइन में तो जरूर बोलिएगा, आपके लिए अवसर है। पास्टर जैन जी सुन रहे हैं, बहुत जी हाँ, पिछले दिनों मेरी सिस्टर ने अपने स्कूल के लिए रिक्वेस्ट करा था, जिसको प्रेयर लाइन में मैंने बोला था, और उसके बाद सिस्टर ने बोला है कि वहां पर बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य है। इसी के साथ साथ उनके स्कूल की एक टीचर हैं जो उनकी एक अच्छी मित्र भी हैं, उनकी मम्मी को पिछले हफ्ते जो है वो स्ट्रोक हुआ और उसके बाद वो कोमा में चली गई हैं, और जी हाँ उनकी रिकवरी के लिए मतलब हम चाहते हैं कि प्रार्थना हो। जरूर जरूर जरूर, एक प्रेस रिपोर्ट हमने सुना कि इस प्रेयर लाइन में बहुत शक्ति के साथ उस दिन प्रार्थना किया था, प्रभु ने अद्भुत कार्य वहां पे किया हुआ। साथ साथ डॉक्टर अजय की परमेश्वर आशीषित करे, हम पर प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य के लिए हम उद्योग एंड वंस थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द
फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड प्रेयर. गॉड ब्लेस यू.